पंचायती कार्यकाल समापन की ओर, प्रधान की गली चमाचम, गांव में गड्ढे। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के विकास के लिए सरकार विकास खंड के माध्यम से ग्राम प्रधानों के द्वारा ग्राम प्रधान निधि के गांव का विकास कार्य किया जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं जिला आगरा बांह के ग्राम फरहरी में, जहां प्रधान के घर हमारे संवाददाता के पहुंचने के बाद प्रधान के द्वारा कराए गए कार्य से दिलबाग बाग हो जाता है। ग्राम प्रधान के निज निवास के आसपास रंगीन टाइलों से सजा दिखाई देता है। पीने योग्य पानी की और बैठने की पूर्ण व्यवस्था है। सूत्रों से प्राप्त सूचना पर हमारे संवाददाता में जब फरहरी गांव पड़ताल की तो आप देखकर दंग रह जाओगे। पूरे गांव के अंदर सड़कों का निर्माण ही नहीं हुआ, जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों का बारिश के पानी से भर जाना किसी घटना को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि निज निवास के आसपास का सुंदरीकरण व अन्य कार्य पंचायत निधि से कराया गया है और दूसरी में आपको फरहरी ग्राम का विकास गड्ढे और टूटी सड़कों के माध्यम से नजर आ रहा है। आप सुन लीजिए इस गांव की कहानी और ग्राम प्रधान सूरज जी की जुबानी। हमारे संवाददाता नीरज धनगर ने उस मामले को छानबीन कर मामले को सामने लाया है। यूं ये कहानी अभी रुकी नहीं, मामला और भी आगे नजर आया। प्रवासी मजदूरों और निकटतम मजदूरों के लिए सरकार रोजगार मुहैया कराने के लिए जोर दे रही है, वही उसी ग्राम के मजदूरों को मनरेगा का कार्य भी नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो ये पता चला है कि मनरेगा का कार्य भी जेसीबी मशीन से कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार।